न्यूज नशा, आदत हर खबर की। संसद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। दोनों सदनों में विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिला। वहीं सोमवार को राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ कि स्पीकर जगदीप धनखड़ खिलखिलाकर हंस पड़े। दरअसल राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पेपर लीक को लेकर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान खड़गे ने कहा कि आपने नई शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आप नहीं मतलब सरकार ने। इतना सुनकर धनखड़ हंस पड़े। खड़गे राज्यसभा में परीक्षा लीक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने IIT जैसे संस्थानों में OBC को 27% आरक्षण देने का काम किया। आज दुनिया भर में डॉक्टर्स, इंजीनियर और वैज्ञानिकों को सम्मान और नौकरी मिलती है, उनकी डिग्रियों को इज्जत मिलती है। अगर डिग्रियों को इज्जत दिलवाना है तो इस तरह की गड़बड़ घोटाले बंद करने होंगे। उन्होंने कहा अगर मौजूदा हालात नहीं सुधरे तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी, हर डिग्री पर संदेह होगा। आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने मतलब आपने नहीं सरकार ने। इतना सुनकर धनखड़ खिलखिलाकर हंसने लगे। इसके थोड़ी देर बाद ही सदन का माहौल बदल गया। दरअसल खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के शिक्षण संस्थानों पर RSS के लोगों ने कब्जा कर लिया। यूनिवर्सिटी, CBSE जैसी जगहों पर RSS के लोगों को जगह मिली है और अच्छे विचारों के लोगों को जगह नहीं मिल रही। इतना सुनकर स्पीकर धनखड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या RSS का सदस्य होना अपराध है? RSS के सदस्य राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। कब्जे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। इस 2-10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझे सरकार को बोल रहे। सर हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में BJP RSS के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, NCERT, CBSE सब में RSS का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी दिस पार्ट विचारधारा से आते हैं। मैं कहूँगा सीएम को इसकी जिम्मेदारी खड़गे जी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो साहब नहीं मैं बता रहा हूँ। आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए VC के कितने लोग हैं, किन जाति के लोग हैं और प्रोफेसर किन जाति के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें? स्थान ग्रहण कीजिए उसमें। स्थान ग्रहण कीजिए कितना है उसमें? आप देखिए स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ, मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति RSS का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का कम्युनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं। ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहां पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते। और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डाले तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं ले। इस 2-10 साल में
आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझे, सरकार को बोल रहा सर हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी दिस पार्ट खुद मंत्री जी खड़गे जी दिस पार्ट में नोट विचारधारा से आते हैं। खड़गे जी दिस पार्ट में नोट गोन रिकॉर्ड। मैं कहूंगा सीएम को इसकी जिम्मेदारी खड़गे जी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो साहब नहीं मैं बता रहा हूँ आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए वीसी के कितने लोग हैं, किन जाति के लोग हैं, एक और प्रोफेसर किन जाति के हैं, एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, एक बार आप लाओ लिस्ट, एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें, स्थान ग्रहण कीजिए उसमें, स्थान ग्रहण कीजिए है उसमें, आप देखिए स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ, मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का कम्युनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं। ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते, और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली चुन चुन के अगर आप डाले तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है, आप कोई भी शिक्षा दो मैं ले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको